हेलो गाइस, तो यार इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईफोन SE 3 वर्सेस आईफोन SE 2। तो यार इनका देखो बॉडी तो सेम है पर अंदर से सब कुछ चेंज कर दिया है। तो वही आपको यहाँ पर 5 चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो यहाँ पर यार आईफोन SE 3 में सबसे बड़े 5 चेंजेस हुए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज है प्रोसेसर चिप का। तो यहाँ पर आपको A50 बायोनिक चिप मिल जाएगी जो कि आईफोन 30 सीरीज में भी लग रही है, जो अब आईफोन SE 3 में भी आ गई है। और आईफोन SE 2 में थी A13 बायोनिक चिप और उसमें कोर थे 8 और इसमें 16 कोर है, मतलब ये दुगना फास्ट है A50 बायोनिक चिप। तो यही सबसे बड़ा चेंजेस है इस वाले आईफोन SE मोबाइल में। तो उसके बाद में सेकंड सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है कि आईफोन SE सेकंड जनरेशन 4G था और आईफोन SE लेटेस्ट वाला 5G है। तो ये अच्छी बात है, तो ये 5G हो चुका है, अब पहले वाला 4G था। तो थर्ड सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है जो कि है बैटरी। तो यहाँ पर यार MS तो एप्पल वाला कभी बताता नहीं है, तो वीडियो का प्लेबैक बताता तो यहाँ पर 13 घंटे का प्लेबैक मिलता था वीडियो प्लेबैक आईफोन SE 2 में, और यहाँ पर जो बढ़ के हो चुका है 15 घंटे का वीडियो प्लेबैक आईफोन SE 3 में। तो यहाँ पर बैटरी भी बढ़ा दी गई है। उसके बाद में हम बात करें बैट, तो यहाँ पर वजन मतलब 4 ग्राम वजन कम कर दिया है आईफोन SE 3 में। आईफोन SE 2 था जो 148 ग्राम का था और आईफोन SE 3 है जो 144 ग्राम का है। उसके बाद में स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको पहले 2 वेरिएंट मिलते थे 64GB और 128GB, और अब आईफोन SE 3 में 3 स्टोरेज मिलेंगे 64GB, 128GB और 256GB। तो ये 3 अब साथ में ही आ चुके हैं, और बाद में शायद आईफोन SE 2 में 256GB का कर दिया था पर लॉन्च के टाइम में 2 वेरिएंट लॉन्च हुए थे। तो ये सबसे बड़े 5 चेंजेस है। उसके बाद में सब कुछ सेम है, बॉडी डिज़ाइन सब कुछ सेम है। डिस्प्ले 4.7 इंचेस का था जो अभी भी है, रेटिना HDR डिस्प्ले है, 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है जिससे 4K हम वीडियो शूट कर सकते हैं, और सामने 7 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रंट में जिससे हम 1080p वीडियो शूट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो यहाँ पर यार प्राइसिंग में ऊपर नीचे कर दिया है एप्पल वालों ने। तो ये वैसे तो लॉन्च हुआ है ग्लोबली $229 का, मतलब 33,000 रुपये का ये लॉन्च हुआ है, पर इंडिया में इसकी प्राइसिंग एप्पल वालों ने रखी है 43,900 रुपये, मतलब 44,000 रुपये। तो यहाँ पर यार 11,000 का फ़र्क कर दिया भाई, इंडिया में 11,000 महंगा लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर और आईफोन SE 2 की अभी फ़िलहाल प्राइस है 30,000 रुपये, फ्लिपकार्ट 29,990 रुपये में मिल रहा है फ्लिपकार्ट। तो इनका ये प्राइसिंग डिफरेंस थी। पर यार आईफोन SE 3 थोड़ा महंगा लॉन्च हो चुका है अपने इंडिया में, 10,000 रुपये महंगा लॉन्च हुआ है, नहीं 11,000। सो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।